हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। और स्टूडेंट, आप सभी की डिमांड पर यहाँ आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जनरल साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चन। जी हाँ, 100+ एमसीक्यू क्वेश्चंस कराऊंगा इस वीडियो के जरिए। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, एक एक क्वेश्चन को तैयार करके चलना, क्योंकि 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जनरल साइंस के। ऐसे क्वेश्चन हैं जो जिनमें से कुछ क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी के एग्जाम है या फिर एनटीपीसी का प्रीवियस एग्जाम है 2013-2016 में, या फिर पिछले साल एएलपी ग्रुप डी के एग्जाम हुआ था वहां पर भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये क्वेश्चन बेनिफिशियल रहेंगे इस बार के आने वाले एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए भी और एनटीपीसी एग्जाम जो कि होना है आपका ग्रुप डी एग्जाम के लिए भी। तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखें, एक एक क्वेश्चन को बेहतर तरीके से तैयार करके चलें। और वीडियो पसंद आए तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करें। इसकी आपको पीडीएफ भी साथ के साथ मिलती रहेगी। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम को ज्वाइन करने का जो तरीका है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया है। फर्स्ट लिंक है अनअकैडमी को ज्वाइन करने का, सेकंड लिंक है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का। लेकिन उससे पहले टेलीग्राम को आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से, ठीक है। और उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। नहीं तो आप टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे गुरुकुल हब चैनल, वहाँ पर 8300 सब्सक्राइबर वाला हमारा चैनल मिलेगा, उसे आप वहाँ पर ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। तो वहीं पर हम सभी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराएंगे। क्लियर गाइस, बात समझ में आ गई? तो चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। और हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि द गैस यूज इन डिस्चार्ज ट्यूब्स ऑफ ऑप्टिकल डेकोरेशन एंड एडवर्टाइजिंग, यानी कि ऑप्टिकल सजावट और विज्ञापन के लिए निर्वहन ट्यूबों में कौन सी गैस उपयोग होती है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास चार ऑप्शन है और जो इसका सही आंसर है वो है डी, नियॉन। उसमें होती है नियॉन गैस। किसमें बात की हमने? ऑप्टिकल डेकोरेशन एंड एडवर्टाइजिंग की निर्वहन ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब जो होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फॉर्मेशन ऑफ ग्लिटरिंग कलर्स इन थिन फॉर्म ऑफ सोप इज द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना। साबुन के पतले फॉर्म में चमकदार रंगों का गठन निम्न में से किस घटना का परिणाम है? तो यहां पर हमारे पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। ऑप्शंस आप पढ़िए, मैं आपको ठीक आंसर ही दूंगा। तो सही आंसर है इसका ए, रिफ्लेक्शन एंड इंटरफेरेंस, प्रतिबिंब और हस्तक्षेप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, कुल आंतरिक प्रतिबिंब तब हो सकता है जब प्रकाश किससे यात्रा कर रहा है? डायमंड से कांच, कांच ग्लास से पानी, पानी से हवा, ग्लास से हवा। कुल आंतरिक प्रतिबिंब तो ये होता है जब डायमंड टू ग्लास यात्रा कर रहा है, ठीक है। जब जो लाइट है, प्रकाश है, वो डायमंड से कांच की तरफ ट्रैवल कर रहा है। क्लियर। आगे है ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो ये करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कुल आंतरिक प्रतिबिंब, कुल आंतरिक प्रतिबिंब के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन द सिग्नल ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ, फाइबर ऑप्टिक्स संचार में सिग्नल किसके रूप में यात्रा करता है? लाइट वेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इलेक्ट्रिक वेव, तो किसके रूप में यात्रा करता है? तो ये करता है, अभी हमने बात भी की थी फाइबर ऑप्टिक्स में, तो ये लाइट वेव यानी कि प्रकाश तरंग के रूप में यात्रा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंडोस्कोप यूज्ड बाय द डॉक्टर्स ऑफ एग्जामिनिंग द इनसाइड ऑफ पेशेंट्स स्टोमक वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ,
रोगी के पेट के अंदर जांच करने के लिए डॉक्टरों द्वारा एंडोस्कोप का उपयोग किया जाता है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह सिद्धांत होता है, वो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रतिबिंब। क्लियर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रीजन ऑफ मिराज इज, मिराज का क्या कारण है? तो मिराज का जो कारण होता है, मिराज बनता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का कुल आंतरिक परिवर्तन, ठीक है, प्रतिबिंब, ठीक है, प्रकाश का जो कुल आंतरिक प्रतिबिंब होता है उसके कारण मिराज बनता है। क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डायमंड अपीयर्स लॉस्ट्रस बिकॉज ऑफ, हीरा चमकदार प्रतीत होता है क्यों, क्यों प्रतीत होता है, क्या प्रतीत होने का कारण है? तो वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कुल आंतरिक परावर्तन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कुल आंतरिक परावर्तन के कारण वो चमकदार प्रतीत होता है। क्लियर गाइस, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द टेक्निक टू इंटरगेट एंड मार्क द इमेज ऑफ ए थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज, थ्री आयामी वस्तु की छवि को एकीकृत करने और चिन्हित करने के लिए तकनीक, कौन सी तकनीक होती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है होलोग्राफी। क्या कहा जाता है? होलोग्राफी, जो त्रि आयामी वस्तु की जो छवि होती है उसको एकीकृत करना और चिन्हित करने की टेक्नोलॉजी। क्लियर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमन इफेक्ट डील्स विद द लाइट रेज पासिंग थ्रू, रमन प्रभाव किसके माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश किरणों पर आधारित है, ठीक है, तो इसका कारण होता है ऑल ट्रांसपेरेंट मीडियम, यानी कि सभी पारदर्शी माध्यम, सभी पारदर्शी माध्यम के कारण ही ऐसा होता है। क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए सी डी, एक सी डी, ओके, एक ए सी डी कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसको कॉम्पैक्ट डिस्क कहा जाता है, ऑडियो प्लेयर यूजेस ए, एक सीडी ऑडियो प्लेयर किसका उपयोग करता है, तो किस चीज का उपयोग करता है वो, और वो उपयोग करता है लेजर, लेजर बीम का, लेजर बीम का, जो सीडी जो होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है, वो ऑडियो प्लेयर किसका उपयोग करता है, लेजर बीम का, उसी के थ्रू वो आपके देखा होगा ना, ऑडियो सीडी प्लेयर होता है उसके अंदर एक लेंस होता है, तो वो लेजर के द्वारा ही उसको ऑपरेट करता है। आगे है नेक्स्ट, टेलीविजन सिग्नल कैन बी रिसीव्ड बियॉन्ड ए सर्टेन डिस्टेंस बिकॉज, टेलीविजन सिग्नल एक निश्चित दूरी से अधिक पर प्राप्त नहीं हो सकते हैं क्योंकि सिग्नल्स आर वीक, एंटीना इज वीक, आर अब्सॉर्ब सिग्नल्स, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कर्व्ड। तो उसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर है द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ इज कर्व्ड, पृथ्वी की सतह घुमावदार है। क्लियर गाइज, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टेक्निक यूज टू ट्रांसमिट ऑडियो सिग्नल्स इन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट इज, टेलीविजन प्रसारण में ऑडियो सिग्नल संचारित करने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल होता है? तो वो तकनीक होती है आवृत्ति मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जिसमें टेलीविजन प्रसारण में ऑडियो सिग्नल संचारित होते हैं। जिसमें टेलीविजन प्रसारण में ऑडियो सिग्नल संचारित होते हैं तो वो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन। क्लियर गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इमेज फॉर्म ऑन रेटिना इज, रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट एंड इन्वर्टेड, वस्तु से छोटा होगा लेकिन उल्टा होगा। जो रेटिना, जो आंख का जो रेटिना होता है, ठीक है, आंख में, तो उस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा बनता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया आर एडवाइज टू यूज
मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति को प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। क्या प्रयोग करने की सलाह दी जाती है? तो वो सलाह दी जाती है उसको कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस अगर वो यूज करता है तो उसको ठीक से दिखाई देता है जो मायोपिया का शिकार है, जो मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति है। क्लियर? तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनेली इन द सेल अदर देन द न्यूक्लियस कंटेन डीएनए, नाभिक के अलावा कोशिका में कौन से अंग में डीएनए शामिल होते हैं? क्लियर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। नाभिक के अलावा कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए शामिल होते हैं, जबकि सेंट्रियल गोल्जी तंत्र या फिर लियोसोम में शामिल नहीं होते। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो है फर्स्ट है कि प्रायंस आर द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग सेल, प्रायन में सबसे छोटी मुक्त जीवित कोशिकाएं हैं। द सेल वॉल ऑफ माइको प्लाज्म इज मेड अप ऑफ अमीनो शुगर्स, माइकोप्लामास की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा से बनी है। विरोइड्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल्स, वायरॉइड एकल स्टैंडर्ड आरएनए अणु से बने होते हैं। यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, और बाकी ये भी गलत है। रिक्टिसियास लेक सेल वॉल, रिक्टियास में कोशिका भित्ति की कमी, तो सबसे सही यही है, वायरॉइड्स एकल स्टैंडर्ड आरएनए अणु से बने होते हैं। क्लियर? और गाइस, जो भी आप यहां पर क्वेश्चंस देख रहे हैं उन सभी की आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है टेलीग्राम ग्रुप का, उसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। प्लाज्मा मेम्ब्रान इज बिल्ट अप ऑफ, प्लाज्मा झिल्ली किसके द्वारा निर्मित है? तो इसमें प्रोटीन भी होता है, लिपिड भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। ठीक है, इसमें तीनों ही शामिल होते हैं, तो तीनों ही शामिल है, इसलिए आंसर इसका क्या लगाएंगे, ए बी एंड सी। प्लाज्मा झिल्ली में प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट तीनों विद्यमान होते हैं। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेट ऑफ अवर बॉडी इज मोस्टली मेड ऑफ, हमारे शरीर का जो वजन है अधिकतर किससे बना है? तो वह बना होता है वाटर से। ठीक है, पानी से। ठीक है, पानी का सबसे ज्यादा वजन बॉडी का जो होता है वो पानी का ही होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए हेल्दी ह्यूमन बीइंग एक्सक्रीट्स द फॉलोइंग लीटर्स ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स, एक स्वस्थ मनुष्य 24 घंटे में कितने लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है? तो उसका सही आंसर होगा 1.5 लीटर, 1.5 लीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स इज नॉट एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथिंग ऑफ बोन्स एंड टीथ, हड्डियों और दांतों की रचना और मजबूती के लिए निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा आवश्यक नहीं है? तो कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, फास्फोरस की जरूरत पड़ती है, फ्लोरीन की जरूरत पड़ती है, जबकि जरूरत नहीं पड़ती आयोडीन की। तो आयोडीन ही इसका राइट आंसर होगा कि इसकी आवश्यकता हड्डी और धातु की रचना और मजबूती के लिए नहीं होती। क्लियर? सेवेंथ क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ टीथ दैट आर डेवलप्ड ट्वाइस इन द लाइफ टाइम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज, मनुष्य के जीवन काल में दो बार विकसित दांतों की संख्या कितनी है? तो वो होती है 20 दांत ऐसे होते हैं जो कि दो बार विकसित होते हैं। ठीक है, एक बार टूटने के बाद दोबारा से निकलते हैं, 20 ऐसे दांत होते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी, निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा हमारे शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा है? तो सबसे मजबूत हिस्सा होता है उसे बोलते हैं एनामेल। ठीक है, दंत वलक। ठीक है, दंत वलक एनामेल, जो कि जबड़ा जो होता है। ठीक है, एनामेल, दंत वलक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण विज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, तो
वर्गीकरण विज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? यहाँ पर एल्गर ऑप्शन है, अरिस्टोटल है, लीनियस है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन, हाँ तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है लीनियस, ठीक है। वर्गीकरण विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है लीनियस को। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दाद एक बीमारी है किसके कारण होती है, ठीक है। रिंग वॉर्म इज ए डिजीज कॉज्ड बाय, तो ये होता है फंगई, कवक के द्वारा। दाद जो बीमारी है वो किसके कारण होती है? कवक के द्वारा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कर्वी ब्लीडिंग ऑफ गम्स इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। स्कर्वी यानी कि मसूड़ों से जो खून आने की जो प्रॉब्लम होती है, किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी का जो रोग होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है, मसूड़ों से खून आना स्टार्ट हो जाता है और यही बीमारी स्कर्वी कहलाती है। नेक्स्ट है कि ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय ए, ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय ए, क्षय रोग किसके कारण होता है? तो क्षय रोग जो होता है वो होता है जीवाणु, बैक्टीरिया के कारण, बैक्टीरिया जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, जिसको तपेदिक भी बोला जाता है, ठीक है, यक्ष्मा भी बोला जाता है हिंदी में, ठीक है, और क्षय रोग यानी कि टीबी बोला जाता है। क्लियर, याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि विच इज द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो सबसे पुराना जीव हो जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, नीले हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव माना जाता है। क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवरेज ब्लड प्रेशर ऑफ ए ह्यूमन इज, एक मानव का औसत रक्तचाप कितना है? तो वो होता है 120-80, ठीक है, 120 हाई की तरफ और 80 कम की तरफ, 120 और 80 की रेंज में अगर ब्लड प्रेशर रहता है तो उसे औसत यानी कि ठीक ठाक ब्लड प्रेशर बोला जाता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, निम्नलिखित में से क्या मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं हैं? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नर्व सेल्स, ठीक है, तंत्रिका कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ठीक है, और साथ ही आप इसकी फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप फ्री पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि मायोपिया इज ए डिफेक्ट ऑफ आईज विच इज आल्सो नॉन एज, मायोपिया आंख का दोष है, इसे किस रूप में भी जाना जाता है? तो वो है निकट दृष्टि दोष, ठीक है, नियर साइटेडनेस, ठीक है, नियर साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया आंखों का दोष भी कहा जाता है। क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है और उनका नाम है डॉक्टर एन ई बोरलॉग, डॉक्टर एन ई बोरलॉग, हरित क्रांति के जनक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैंथेरा टिग्रिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, पैंथेरा टिग्रिस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये होता है टाइगर का वैज्ञानिक नाम। साइंटिफिक नेम की कंप्लीट वीडियो मैंने बना दी है, दो पार्ट में मैंने पढ़ाया था आपको, एक में एनिमल और फ्रूट्स बताए थे और एक में मैंने बताया था आपको स्पाइसेस, ग्रेन्स, ठीक है, टी, कॉफ़ी, ठीक है, ये बताए थे और कुछ पेड़ पौधों के बारे में बताया था। दो पार्ट में मैंने वीडियो बनाई थी और साथ ही उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी थी टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप वो भी देख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट है कि हाउ मैनी फेशियल बोन्स आर देयर, चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो ये होती हैं 14, टोटल 14 हड्डियां होती हैं चेहरे में, फेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, हेलोफाइट्स आर प्लांट्स दैट ग्रो इन, हेलोफाइट्स पौधे किसमें विकसित होते हैं, तो ये विकसित होते हैं साल्ट वाटर में, जिसको बोला जाता है खारा पानी, खारे पानी में ही हेलोफाइट्स विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैलिसेटस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, फैलिसेटस या इसको कैटस बोला जाता है, ठीक है, फैलिसकैटस का वैज्ञानिक नाम है, किसका वैज्ञानिक नाम है फैलिसकैटस, तो वो बोला जाता है कैट को, बिल्ली को, बिल्ली का साइंटिफिक नेम फैलिसकैटस। क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फिनोमिनिया इफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, निम्नलिखित में से निमोनिया का, निमोनिया होता है ये जो होता है इसमें पी जो होता है साइलेंट होता है, तो निमोनिया का मानव शरीर के कौन से अंग पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है, निमोनिया का मानव शरीर के किस अंग पर इफेक्ट पड़ता है, तो वो होता है लंग्स यानी कि फेफड़े, फेफड़ों को प्रभावित करता है निमोनिया। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल इज नोन एज, मेंडल को किस रूप में जाना जाता है, मेंडल को जाना जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, अनुवांशिकी के पिता, अनुवांशिकी के पिता को के रूप में ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है, इन्होंने मटर के पौधे पर रिसर्च की थी और इस नियम को इजाद किया था, जेनेटिक्स के नियम को। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर आल्सो नोन एज सुसाइडियल बैग ऑफ सेल्स, निम्नलिखित में से किसको आत्मघाती कोशिकाओं के थैले के रूप में भी जाना जाता है, तो वो कहा जाता है लियोसोम को, लियोसोम्स जो होते हैं उनको आत्मघाती या आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, और वो होती है लीवर, ठीक है, जिगर, हिंदी में कहा जाता है यकृत, ठीक है, लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स टेक्स प्लेस इन, पौधों में सप्तिक संश्लेषण या प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है, तो प्रकाश संश्लेषण होता है पत्तियों में, पत्तियों के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। आगे है, इंसेक्ट दैट ट्रांसमिट डिजीज आर नॉन एज, कीड़ों से प्रसारित होने वाले रोग किस रूप में जाने जाते हैं, कीड़ों से प्रसारित होने वाले रोग किस रूप में जाने जाते हैं, तो वो जाने जाते हैं वेक्टर्स, उनको बोला जाता है वेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट है, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है उसे बोला जाता है पैनक्रियाज, अंगनाशय, पैनक्रियाज मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, और सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की थी तो वो कौन सी थी, लीवर, यकृत, ठीक है, और सबसे छोटी ग्रंथि की बात की जाए तो वो होती है पिट्यूटरी, जिसे बोला जाता है पीयूष ग्रंथि, मस्तिष्क में पाई जाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट है कि अनोना स्कुमोसा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, अनोना स्कुमोसा का वैज्ञानिक नाम है, किसका वैज्ञानिक नाम है, तो होता है कस्टर्ड एप्पल का, कस्टर्ड एप्पल, कस्टर्ड एप्पल जो होता है उसका वैज्ञानिक नाम एनोना स्कुमोसा है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 15 नंबर क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन है कि द डिजीज बेरी बेरी इज कॉज्ड
ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी वन की कमी से, विटामिन बी वन की कमी के कारण। क्लियर। तो फर्स्ट हमारे पास है कि वायुमंडलीय घटनाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक फिनोमिना इज कॉल्ड। तो ये कहा जाता है, इसको बोलते हैं मेटरोलॉजी, अंतरिक्ष विज्ञान, जो कि वायुमंडल में जो घटनाएं होती हैं उसकी जो स्टडी होती है उसको मेटरोलॉजी यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दंत चिकित्सक के दर्पण क्या है, ए डेंटिस्ट मिरर इज ए, जो डेंटिस्ट के पास जो मिरर होता है वो कौन सा मिरर होता है? तो वो मिरर होता है कॉनकेव मिरर, उसको बोला जाता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जो कि डेंटिस्ट के पास पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि एक रंगीन टीवी में प्रयुक्त प्राथमिक रंग है, द प्राइमरी कलर्स यूज्ड इन ए कलर टीवी आर, तो वो होते हैं ब्लू ग्रीन रेड, नीला हरा और लाल, यही प्राइमरी कलर होते हैं, ठीक है, और रंगीन टीवी में इन कलर्स का ही यूज किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को पत्थर पर पैर मारने पर क्यों चोट लगती है, एक व्यक्ति को पत्थर पर पैर मारने पर क्यों चोट लगती है, तो उसका कारण होता है रिएक्शन, प्रतिक्रिया। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, न्यूटन की गति का जो थर्ड नियम है, थर्ड लॉ जो कहता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि हम किसी चीज पर जितना बल लगाते हैं उतना ही बल दूसरी तरफ से प्रतिक्रिया क्रिया के रूप में लगता है। तो अगर पत्थर पर पैर मारते हैं तो जिस बल से हमने पत्थर पर पैर मारा है उसी बल से पत्थर हमारे पैर पर भी चोट मारता है, तो इसी वजह से वो चोट लगती है, तो प्रतिक्रिया का यहाँ पर नियम काम करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुपर कंडक्टर द्वारा प्राप्त उच्चतम तापमान कितना है, तो वो होता है 138 केल्विन। एक सुपर कंडक्टर द्वारा प्राप्त उच्चतम तापमान कितना होता है? 138 केल्विन। नेक्स्ट है, जैरिक कंडीशन रेफर्स टू, जैरिक स्थिति का संदर्भ है, जो जैरिक स्थिति होती है वो बोली जाती है लो ह्यूमिडिटी को, कम नमी का जो क्षेत्र होता है या कम नमी की जो कंडीशंस होती हैं, ठीक है, उसमें जैरिक स्थिति कहा जाता है कि जैरिक स्थिति संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं सेवंथ नंबर क्वेश्चन पर, और सेवंथ नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि ए बॉडी फ्लोट्स एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर इफ टेम्परेचर रीचेज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, देन यानी कि शरीर 4 डिग्री सेल्सियस पानी में तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो, ठीक है, तो जब शरीर 4 डिग्री सेल्सियस पानी में तैरता है तो तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है, तो वो क्या होता है कि उसमें क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, द बॉडी विल सिंक, मतलब शरीर जो है वो डूब जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो बॉडी होगी वो डूब जाएगी, द बॉडी विल सिंक। नेक्स्ट है, एक कट डायमंड साइंस ब्रिलियंटली ड्यू टू, जो एक कट डायमंड होता है वो शानदार ढंग से चमकने की जो वजह होती है, उसकी चमकने की वजह का जो कारण होता है वो क्या होता है, तो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कुल आंतरिक प्रतिबिंब, या कह सकते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही वो चमकदार प्रतीत होता है, हीरे का चमकना। क्लियर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है एसएससी में, कई बार पूछा गया है, ठीक है, रेलवे के लिए भी बेनिफिशियल है, ठीक, तो पूछा जाता है क्वेश्चन। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ देयर लॉ, बादल वायुमंडल में उनके कम के कारण उड़ते हैं, किसके कारण उड़ते हैं, कम डेंसिटी यानी कि घनत्व के कारण होते हैं, क्योंकि उनकी डेंसिटी कम होती है,
ठीक है, साइज तो बड़ा होता है, वजन कम होता है बादल का, ठीक है, और इसी वजह से उनकी डेंसिटी कम होती है, और उस डेंसिटी की कम होने के कारण ही बादल वायुमंडल में उड़ते हैं। नेक्स्ट है कि हु डिस्कवर्ड टेलीविजन, टेलीविजन की खोज किसने की, तो टेलीविजन की जो खोज का जो श्रेय जाता है वो जाता है बेयर्ड को, जे एल बेयर्ड, ठीक है, जे एल बेयर्ड टेलीविजन की खोज करने का श्रेय। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज इज, फ्यूज का सिद्धांत क्या है, फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है, तो होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के तापीय प्रभाव, ठीक है, विद्युत के तापीय प्रभाव यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इस सिद्धांत पर काम करता है फ्यूज का ताप, ठीक है, या कोई भी फ्यूज है, ठीक, तो विद्युत का तापीय प्रभाव ये ध्यान रखेंगे यार। नेक्स्ट है कि रमन इफेक्ट डील्स विद द लाइट रेज पासिंग थ्रू, रमन प्रभाव किसके माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश किरणों पर आधारित है, तो ये होता है ऑल ट्रांसपेरेंट मीडियम, सभी पारदर्शी माध्यम, ठीक है, सभी पारदर्शी माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश किरणों पर आधारित होता है रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट डील्स विद द लाइट रेज पासिंग थ्रू ऑल ट्रांसपेरेंट मीडियम। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन है कि देयर इज नो एटमोस्फियर ऑन द मून बिकॉज, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, क्यों, क्यों नहीं है, क्योंकि द एस्केप वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑल इट इज लेस देन द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हियर, क्योंकि इस पर गैस के अणुओं का जो पलायन वेग है यहाँ के वर्गमूल औसत वर्ग वेग से कम है, ठीक है, जो चंद्रमा पर जो गैस के अणुओं का पलायन वेग होता है, पलायन वेग का मालूम होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक, तो जो पलायन वेग है वो यहाँ के वर्गमूल औसत वर्ग वेग से कम है, इस कारण वहां पर वायुमंडल नहीं है, ठीक है, प्लाइन वेग का आप समझते हैं, प्लाइन वेग अगर कोई वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका जाए तो वो जो होती है वो उस मतलब जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसके क्षेत्र से बाहर निकल जाती है और वो पृथ्वी पर या जहां से भी फेंकी जाए उस पर वापस लौट कर नहीं आती, ठीक है, तो ये आगे चलते हैं। कैरोसिन ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज, कैरोसिन तेल पानी पर तैरता है क्यों, तो उसके तैरने का जो कारण होता है वो होता है इट्स डेंसिटी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि इसका जो घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए जो कैरोसिन का जो तेल होता है वो पानी पर तैरता है, केवल 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 डेंसिटी के कारण ही ऐसा हो पाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट है एंड एट विच टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम है, तो वो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी होता है उसका जो घनत्व होता है वो मैक्सिमम होता है। क्लियर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है काफी बार एग्जाम में, तो आप इसे भी ध्यान में रखें, हालांकि सभी जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि डायलिसिस इज रिलेटेड टू, डायलिसिस किससे संबंधित है, तो चार ऑप्शन है हमारे पास, लीवर है, किडनी है, आइज है, ब्रेन है। सबसे पहले अपने पास कॉपी पेन रख लें, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन आप लगाते चलें और जैसे मैं आंसर बताऊं उसको चेक करते चलें कि आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। तो डायलिसिस संबंधित है जिगर, गुर्दा, आँखें, मस्तिष्क, जो सही आंसर होगा डायलिसिस का वो होगा गुर्दे यानी कि किडनी, क्लियर। और किडनी की एक खासियत होती है कि जो ब्लड के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक, उनको रिमूव करने का काम करती है ये किडनी, क्लियर गाइस। और जो कि दे सर्व द बॉडी एज ए नेचुरल फिल्टर ऑफ द ब्लड एंड रिमूव वाटर सॉल्युबल वेस्ट सच एज यूरिया एंड अमोनियम एंड दे आर आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द री एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड्स,
क्लियर गाइस। तो जितने भी इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑर्गेनिक, उनको रिमूव करती है, जैसे कि वाटर सॉल्युबल वेस्ट होती है, ठीक है, और नेचुरल फिल्टर करती है ब्लड को हमारी किडनी, और उसको यूरिया और जो अमोनिया होती है उसको अलग अलग डिवाइड कर देती है, ठीक है। और ये पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होती है रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड के लिए। क्लियर, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया किडनी, ठीक है। और गाइस आप हमारी वीडियो अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं, अनअकैडमी पर आप सर्च कर लीजिए मोहित कुमार कश्यप, ठीक है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर मैं एसएससी रेलवे सीटेट यूपीटेट के एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल कोर्सेज बनाता हूँ, तो आप इसे फॉलो कर लीजिए मुझे मोहित कुमार कश्यप के नाम से सर्च करके, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। चलिए चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा कि वेयर इज द यूरिया सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड, यूरिया रक्त से कहाँ अलग होता है, ठीक है, तो कौन सा पार्ट है जो ये अलग करता है, तो वो होता है जैसे कि मैंने अभी बताया गुर्दा, यानी कि किडनी ही यूरिया और रक्त को अलग करता है, ठीक है। द प्रोसेस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑकर्स एट द बैरियर बिटवीन द ब्लड एंड द फिल्ट्रेट इन द रेनल कैप्सूल इन द किडनी, तो दोनों को बिल्कुल अलग करने का काम करता है, ठीक है। और जितनी भी हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिक वेस्ट होती है, ठीक है, वो भी ब्लड से ये अलग करता है और यूरिया को अलग पार्ट में डिवाइड करता है। आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड है कि द एवरेज ब्लड फ्लो थ्रू किडनीज पर मिनट इज, प्रति मिनट गुर्दे के माध्यम से औसत रक्त प्रवाह कितना है, तो ये होता है 1200 सीसी, ठीक है, 1200 सीसी होता है। किडनी आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन, हमारी बॉडी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, और ये करीब करीब 1500 लीटर ब्लड को प्यूरीफाई करता है और इसको कन्वर्ट करता है 1.5 लीटर में, ठीक है। मतलब जो 1500 लीटर इसने डेली बेसिस पे जो ब्लड को प्यूरीफाई किया उसको 1.5 लीटर यूरिन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो जो ब्लड का जो वेस्ट पार्ट होता है वो यूरिन बनकर, मतलब जो 1.5 लीटर होता है, 1.5 लीटर यूरिन पर डे ये अलग करता है। और 1200 ml ऑफ ब्लड फ्लोज थ्रू बोथ द किडनी पर मिनट, मतलब 1200 ml जो ब्लड होता है उसको दोनों ही किडनी, दो किडनी होती है ना, दोनों ही किडनी पर मिनट के हिसाब से उसको उसका फ्लो किडनी के अंदर चलता रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन किडनीज फेल टू फंक्शन देयर इज अकोमुलेशन ऑफ, जब गुर्दे कार्य करने में विफल हो जाते हैं तो उसमें किसका संचय होता है, ठीक है, जब गुर्दे काम करना बंद करते हैं तो उसमें किसका संचय होता है, तो उसमें होता है नाइट्रोजेनस वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द ब्लड, रक्त में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट, अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, रक्त में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ, क्लियर। तो लगभग एक ही कॉन्सेप्ट है जो मैंने बताया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, द डायलाइजर इज यूज्ड फॉर द वर्क ऑफ, डायलाइजर का उपयोग के कार्य के लिए किया जाता है, किसके कार्य के लिए किया जाता है डायलाइजर का उपयोग, तो वो भी होता है गुर्दे यानी कि किडनी के लिए, ठीक है। द ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर किडनी फेलियर, ठीक है, किडनी फेलियर में होता है पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसको बोला जाता है पीडी, ठीक है, पीडी बोला जाता है, पेरिटोनियल डायलिसिस और हेमोडायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट, तो इसमें इसका डायलिजर का यूज किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए स्टीम ऑफ ट्री हैज 50 रिंग्स, व्हाट इज द एज ऑफ द ट्री, एक तने के पार अनुभाग में 50 वृत्त हैं, तो पेड़ की उम्र क्या होगी, ठीक है, तो पेड़ की उम्र होगी 50 वर्ष होगी, क्योंकि इसमें 50 वृत्त दिखाई देते हैं, सर्कल दिखाई देते हैं, ठीक है, 50 सर्कल दिखाई देते हैं, तो उसकी उम्र भी 50 ही होगी।
नेक्स्ट है द बोन्स आर हेल्ड टूगेदर बाय इलास्टिक टिश्यूज आर कॉल्ड, लोचदार ऊतक द्वारा हड्डियों को एक साथ रखे जाने को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन हैं, उसको बोला जाता है लिगामेंट्स, फिबोरस टिश्यूज, फिब्रिन या फिर मस्कुलर टिश्यूज। क्या हो सकता है आंसर? तो उसका सही आंसर होगा लिगामेंट्स, स्नायु बंधन। जो एक लिगामेंट होता है, ए लिगामेंट इज ए टिश्यू दैट कनेक्ट्स टू बोन्स टू फॉर्म ए जॉइंट, मतलब दो बोन्स को, दो हड्डियों को जोड़ने का काम करता है एक लिगामेंट। इट इज टफ एंड फाइबरस विच मीन्स दैट व्हेन इट इज फॉर्म ए लिगामेंट कैन टेक क्वाइट ए वाइल टू हील एंड माइट इवन रिक्वायर सर्जरी। ठीक है, तो जब भी कभी इसमें किसी भी प्रकार की चोट लगती है, कोई भी नुकसान पहुंचता है, तो उसको सर्जरी के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो लोचदार ऊतक द्वारा हड्डियों को एक साथ रखे जाने को क्या कहते हैं? स्नायु बंधन बोला जाता है, लिगामेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेक्यूज फॉर्म ऑन टीथ आर मेड अप ऑफ, दांतों पर निर्मित फ्लैक्स किस से बने होते हैं? तो चार ऑप्शन यहां पर आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं सही आंसर ही बता देता हूं, वो होता है फूड पार्टिकल्स प्लस सलीवा प्लस माउथ एसिड प्लस बैक्टीरिया, यानी कि खाद्य कण, लार, मुंह एसिड और बैक्टीरिया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नाइन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, हड्डियों और दांतों के गठन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक होता है? तो जो सबसे जरूरी चीज होती है दोनों के गठन के लिए, ठीक है, हड्डी और दांतों के लिए, तो वो होता है कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस। टीथ एंड बोन्स बोथ आर हार्ड, दोनों ही कठोर होती हैं, वाइट होती हैं और हैवी होती हैं। टीथ आर कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम, फास्फोरस एंड अदर मिनरल्स, मतलब इसमें और भी अधिक अलग मिनरल्स होते हैं, जबकि बोन्स कंटेन कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम एंड अदर मिनरल्स, बट मोस्टली कंसिस्ट ऑफ द प्रोटीन कोलेजन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो कैल्शियम और फास्फोरस इसका सही आंसर बनता है। क्लियर, चलिए टेंथ क्वेश्चन आता है हमारे पास, इन ह्यूमन बीइंग्स नॉर्मली इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स डज द स्पर्म फर्टिलाइज द ओवम, मनुष्य में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस भाग में शुक्राणु अंडाकार को निषेचित करता है? तो इसका सही आंसर होगा फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब सही आंसर होगा। क्लियर, चलते हैं 11th नंबर क्वेश्चंस पर। 11th नंबर क्वेश्चन है हमारा, द हार्मोन रिलेटेड टू ड्राउट टॉलरेंस इज, सहिष्णुता की कमी से संबंधित हार्मोन है, तो वो हार्मोन होता है, उसको बोला जाता है ऑप्सिसिक एसिड, ये ऑप्शन होगा ऑप्सिसिक एसिड। ठीक है, द हार्मोन ऑप्सिसिक एसिड वाज डिस्कवर्ड इन अर्ली 1961, यानी कि 1960 में इस एसिड को खोजा गया था, ऑप्सिसिक एसिड, एंड प्लांट बायोलॉजिस्ट हैव नोन फॉर डिकेड्स दैट इट प्ले क्रूशियल रोल इन कीपिंग प्लांट्स अलाइव ड्यूरिंग द ड्राउट। तो जो प्लांट होते हैं, ठीक है, और जो सूखे क्षेत्र में जो प्लांट जीवित रहते हैं, तो वो इसी हार्मोन की वजह से जीवित रह पाते हैं, इसी के लिए इसको खोजा गया था, कि यही पता लगाने के लिए जो सूखे स्थान होते हैं, ठीक है, ड्राउट पैलेस होते हैं, ठीक है, वहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट जो होते हैं, वो कैसे जीवित रह जाते हैं। ठीक है, तो वो इस हार्मोन की वजह से ही जीवित रह पाते हैं, ऑप्सिसिक एसिड। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन इज, आयोडीन युक्त हार्मोन है, आयोडीन युक्त हार्मोन है, तो कौन सा हार्मोन होता है? तो वो होता है थायरेक्सिन, उसको बोला जाता है थायरेक्सिन। द थायरॉयड ग्लैंड, जो थायरॉयड ग्रंथि होती है, इज लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ द नेक अटैच टू द लोअर पार्ट ऑफ द वॉइस बॉक्स, जिसको बोलते हैं लैरिनिक्स, एंड द अपर पार्ट ऑफ द विंड पाइप, जिसको बोला जाता है ट्रेचिया। द थायरॉयड ग्लैंड प्रोड्यूस थायरॉयड हार्मोन्स, दीज आर पेप्टिड्स कंटेनिंग 65% ऑफ आयोडीन, मतलब 65% आयोडीन को कंटेन करती है। ठीक है, तो आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा हो जाता है? थायरेक्सिन। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर,
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट एनिमल्स दैट आर वेल नोन टू यूज फिनोमिना आर, पशु जो फेरोमोन का उपयोग करने के लिए जाने जाते हैं वे क्या हैं? तो वे होते हैं आंट्स, चीटी, ठीक है, उनको चीटी बोला जाता है। तो अगर इसमें और बात की जाए, और किसी जीव जंतु की बात की जाए, तो बीज होते हैं, वैस्प्स होते हैं, आंट्स हो गए, मॉन्स हो गए, एंड अदर इंसेक्ट्स रैली लार्जली अपॉन फिनोमिना एज ए मीन ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसमें बीज, वैस्प, आंट और मॉन्स, ये चार चीज़ें आती हैं, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आंट्स इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, बाय हूम एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड, एस्ट्रोजन का उत्पाद किसके द्वारा किया जाता है? तो सही आंसर होगा इसका फॉलिसलीज, ठीक है, फॉलिसलीज यानी कि फली। एस्ट्रोजन का उत्पाद किसके द्वारा किया जाता है? फॉलिसलीज, फली के द्वारा। नेक्स्ट है, इन द ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग इज डक्टनेस ग्लैंड, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी एक लचीला ग्रंथि है? तो वो होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोसरीन ग्लैंड्स, ठीक है, एंडोसरीन ग्लैंड्स, जिसको अंतःस्रावी ग्रंथि बोला जाता है। एंडोसरीन ग्लैंड्स जो होती हैं और इंटरनली स्क्रीटिंग ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स सिंस दे लैक एक्सक्रीटरी डक्ट्स, क्लियर। तो मानव शरीर में जब कौन सी एक लचीली ग्रंथि है, तो लचीली ग्रंथि का जो नाम दिया जाता है वो अंतःस्रावी ग्रंथि को ही दिया जाता है। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इनकी पीडीएफ भी आप ले सकते हैं, फ्री में पीडीएफ आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ मिलती हैं। जो भी हम वीडियो बनाते हैं, सभी वीडियो की पीडीएफ भी बनाते हैं, और पीडीएफ आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से। उससे पहले आपको करना होगा टेलीग्राम ग्रुप को प्ले स्टोर से आपको इंस्टॉल करना होगा, तभी आपको वो लिंक पर क्लिक करने पर आप ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले चाहूँगा इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, जिसका कोई कॉस्ट नहीं लगता, कोई चार्ज नहीं होता। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? अब रतौंधी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, सबसे ज़्यादा विटामिन सी किसमें मिलता है? तो खट्टे पदार्थों में, यानी कि आंवले में आपको विटामिन सी सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में मिलेगा। एक क्वेश्चन होता है कि विटामिन सी किसमें नहीं पाया जाता, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है ना, वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो बेरी बेरी विटामिन बी वन, ठीक है, विटामिन बी तो आप जानते हैं, लेकिन विटामिन बी वन, क्लियर, विटामिन बी वन की कमी से ही बेरी बेरी रोग होता है। फिर आता है कि वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन होता है, कौन सा विटामिन ऐसा है जो वसा में घुलनशील है, क्लियर। तो ये होता है विटामिन, वसा में सभी विटामिन होते हैं, विटामिन ए भी होता है, विटामिन डी भी होता है, और विटामिन की, इन तीनों की बात की जाए तो तीनों ही वसा में घुलनशील है, यानी कि डी हमारा ऑप्शन, इनमें से सभी ये ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में कौन सा घुलनशील होता है? तो जल में विटामिन बी भी घुलनशील है और सी, और यानी कि दोनों ही घुलनशील है, तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा, विटामिन बी और विटामिन सी दोनों ही जल में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी का केमिकल नेम, तो विटामिन बी का केमिकल नेम क्या होता है, वो होता है थायमीन, थायमीन, विटामिन बी का केमिकल नेम थायमीन, क्लियर। फिर है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल, क्या होता है रेटिनॉल। हमने पढ़ा विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, हमने पढ़ा विटामिन बी थायमीन, हमने पढ़ा विटामिन ए रेटिनॉल, तो तीनों विटामिन ए बी सी के केमिकल नेम हमने पढ़े, क्लियर।
नेक्स्ट है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, स्कर्वी सी, ठीक है, तो ये होता है विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। क्लियर। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, सबसे ज्यादा विटामिन डी जो है वो किस चीज से मिलता है, तो वो मिलता है अंडे, दूध, सूर्य का प्रकाश, हरी सब्जी, और सबसे ज्यादा मिलता है सी यानी कि सूर्य के प्रकाश में आपको सबसे ज्यादा विटामिन डी मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम क्या है, तो ये हो जाता है बायोटीन, विटामिन बी सेवन, विटामिन बी अलग पढ़ा हमने, ठीक है, विटामिन बी अलग पढ़ा, और यह है विटामिन बी सेवन जिसको बोलते हैं बायोटीन। नेक्स्ट है कि नपुंसकता या बाध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो यह होता है विटामिन ई की कमी के कारण, नपुंसकता या बाध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन ई की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है कि विटामिन के रासायनिक नाम क्या है, विटामिन के का रासायनिक नाम हो जाता है फिलोक्विनोन, क्या हो जाता है फिलोक्विनोन, जितने भी मैं केमिकल नेम बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसको थोड़ा सा नोट करके रखें, बाकी पीडीएफ तो आप डाउनलोड कर ही लेंगे, तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो जाता है फिलोक्विनोन। नेक्स्ट है कि मछलियों के यकृत के तेल में कौन से विटामिन की बहुलता होती है, मछलियों के यकृत के तेल में कौन से विटामिन की बहुलता होती है, तो उसमें होता है विटामिन ए, ठीक है, मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन ए मिलता है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, कौन सा ऐसा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, और वो होता है विटामिन सी जो कि गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। क्लियर। 16 नंबर क्वेश्चन आता है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो होता है रिकेट्स, सूखा रोग बोलते हैं जिसको, सूखा रोग यानी कि रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। नेक्स्ट है कि विटामिन शब्द किसने दिया था, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है कि विटामिन शब्द जो आया है, विटामिन सबसे पहले किसने इस शब्द को दिया था, तो उसकी शब्द की जो उत्पत्ति की थी वो थी फंक, फंक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये नाम दिया था विटामिन। नेक्स्ट है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो यह होता है विटामिन के, विटामिन के जो कि रक्त की क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग बनाने में ज्यादा हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट है कि विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन है, किसने विटामिन ए और बी का आविष्कार किया, इन्वेंशन किया, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है मैकुलन, क्या नाम है मैकुलन, जिन्होंने विटामिन ए और विटामिन बी का आविष्कार किया है। और 20 यानी कि लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, और ये है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, बी रतौंधी, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी। तो गाइज ये तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि खाद संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है, खाद संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है, तो हमारे जो आंसर है वो है कच्चा आम, अचार, आलू, चिप्स, दूध, पनीर या फिर सेब, जैम। तो खाद संरक्षण, खाद मतलब खाने की चीजों का संरक्षण, ठीक है, तो जो सही आंसर है देखिए कच्चा आम है, कच्चे आम को अचार बनाकर काफी टाइम तक स्टोर किया जाता है, आलू को आलू के चिप्स बनाकर काफी टाइम तक स्टोर किया जाता है, जैम जो बनाया जाता है वो सेब का बनाया जाता है, वो भी काफी टाइम के लिए स्टोर किया जाता है, लेकिन दूध पनीर है ना, दूध पनीर, अब दूध को स्टोर करा जाएगा पनीर के रूप में, ज्यादा दिन तक तो नहीं किया जाएगा, एक दिन दो दिन मैक्सिमम रख सकते हैं, है ना, फ्रीज कर लेंगे तीन दिन, उससे ज्यादा टाइम नहीं रख सकते, तो इसका आंसर बनना चाहिए सी, दूध पनीर, ठीक है, देख सकते हैं आप आंसर, दूध पनीर इसका राइट आंसर होगा।
ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के दूध के दांतों की संख्या होती है, मनुष्य के दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, 12 है, 18 है, 20 है, 22 है। तो राइट आंसर है इसका 20। ठीक, तो 20 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का घनत्व, जल का घनत्व क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूनतम होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है, या -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूनतम होता है, क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है, सी ऑप्शन। क्लियर। चलिए आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, फलों का पकना, दूध का दही बनना, जल का हिमीकरण, भोजन का पचना। तो रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, जल का हिमीकरण मतलब जल का जमना जो होता है, बर्फ बनना। क्लियर। नेक्स्ट है कि शहरों में कारों और ट्रकों जैसे वाहनों से होने वाला उत्सर्जन वायु प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं जो अंतःश्वासित होने पर मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जैसे कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बेंजीन। उपयुक्त प्रदूषकों में से कौन से अति निम्न स्तरों पर भी मानव द्वारा सहाय नहीं है? तो क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर होना चाहिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। इसमें तो तीनों ही चीजें इंक्लूड है, तीनों ही इंक्लूड है, तो ये नहीं होने चाहिए, ठीक है। अति निम्न स्तरों पर भी मानव द्वारा सहाय नहीं है, तो ये तीनों ही होना चाहिए, ठीक है। हालांकि इसमें ऑप्शन ऐसा नहीं दिया है, लेकिन आप आंसर से इसको समझिए कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन तीनों ही हानिकारक है। क्लियर। चलते हैं आगे। साबुन किसका सोडियम अथवा पोटेशियम लवण है, साबुन किसका सोडियम तथा पोटेशियम लवण है? ऑप्शन है स्टेरिक अम्ल, ऑलिक अम्ल, पामिटिक अम्ल या फिर उपयुक्त सभी। तो क्या होगा, साबुन में तीनों ही चीजें हैं, स्टेरिक अम्ल, ऑलिक अम्ल, पामिटिक अम्ल, तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ का किसी नियत मात्रा का द्रव्यमान, उसमें विद्यमान द्रव्य की मात्रा होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित नहीं होता, ठीक है, सी ऑप्शन है, गुरुत्वीय बल में परिवर्तन के साथ बदलता है, या इनमें से कौन सी बातें उचित है, तीन ऑप्शन है। तो क्या होगा इसका आंसर, कि उसमें विद्यमान द्रव की मात्रा होती है, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित नहीं होता, ठीक, ये दोनों ही बातें इसमें होती हैं, ये दोनों ही बातें इसमें शामिल है, फर्स्ट भी और सेकंड भी। क्लियर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ खाद्य सामग्रियों में विद्यमान होने पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? तो पीड़कनाशी अपशिष्ट ये भी हानिकारक है, सीसा लेड ये भी हानिकारक है, मेटेनियल येलो ये भी हानिकारक है, पारा मरकरी ये भी हानिकारक है। तो सही विकल्प क्या होंगे, चारों ही इसमें विकल्प सही होंगे, ए बी सी डी। क्लियर। तो क्वेश्चन को कुछ ज्यादा मैंने इसी तरीके से बनाया है कि ऑप्शन आपको कंफ्यूज करेंगे, जिससे कि आपको जो रियल आंसर है वही आपका निकल कर आए, ठीक है, कंफ्यूजन बनना चाहिए तभी उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है और समझा जा सकता है ज्यादा डीपली। आगे है सूर्य ग्रहण के दौरान, सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच ठीक आधी दूरी पर चंद्रमा आ जाता है, या फिर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है। तो जो इसका राइट आंसर होता होगा वो होगा सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की त्वरण की एसआई यूनिट क्या है,
तुरण की एसआई यूनिट क्या है? तुरण की एसआई यूनिट होते हैं मीटर सेकंड स्क्वायर माइनस टू, मीटर मीटर प्रति सेकंड और पावर माइनस दो, ये होता है। क्लियर? तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कार्बन के एक परमाणु में, कार्बन के एक परमाणु में छह प्रोटॉन होते हैं, इनकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है, कार्बन के परमाणु होते हैं तो कार्बन के परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, कार्बन के परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो होते हैं छह, ठीक है, छह प्रोटॉन होते हैं, द्रव्यमान संख्या 12 होती है और न्यूट्रॉन कितने होते हैं, वो भी छह होते हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से आम घरेलू उपयोग की कौन सी वस्तु या वस्तुएं बिस्फेनल ए बीपीए निर्मुक्त करती हैं जो अंतःस्रावी विदारक है और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? तो इसमें आएगा प्लास्टिक के कॉफी मग, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, प्लास्टिक के कॉफी मग। नेक्स्ट है कि नाइट्रोजन के निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा एक नाइट्रिक अम्ल के एनहाइड्राइड के रूप में जाना जाता है? N2O, N2O3, N2O5, NO2। तो राइट आंसर होगा आपका N2O5C, N2O5 आंसर होगा। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, ठीक है, ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फिर आता है सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और चौथा ऑप्शन है पोटेशियम कार्बोनेट। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ए ऑप्शन, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी तारे की दीप्ति किस पर निर्भर करती है? तो केवल उसके अमाप और तापमान पर, उसके अमाप और पृथ्वी से दूरी पर, उसके अमाप तापमान और द्रव्यमान पर, उसके अमाप तापमान और पृथ्वी से उसकी दूरी पर। तो किस पर डिपेंड करती है? उसके अमाप और पृथ्वी से दूरी पर, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? चलते हैं आगे। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 क्वेश्चन है कि जब किसी ठोस को गर्म करने पर वह सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो प्रक्रिया कहलाती है हमारी ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भाप अंगार गैस है? भाप अंगार गैस कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है, कार्बन मोनोक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण है, कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प का मिश्रण, कार्बन मोनोक्साइड और जल वाष्प का मिश्रण। तो राइट आंसर होगा इसका कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण, यानी कि ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक संचित ऊर्जा नहीं है? ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या फिर रासायनिक ऊर्जा। तो जो इसका सही आंसर होगा, संचित ऊर्जा में नहीं आती है, वो आती है न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से फाइलेरिया रोग का रोगवाहक कौन सा है? फाइलेरिया रोग का रोगवाहक कौन सा है? ऑप्शन है एनाफिलीज, एंडीज एजिप्टी, सैटसी मक्खी, इनमें से कोई नहीं, या फिर मच्छर और डियर मक्खियां। तो राइट आंसर इसका है मच्छर और डियर मक्खियां। ठीक है, फाइलेरिया, मच्छर और डियर मक्खियां। नेक्स्ट है कि निम्न में से चिकनगुनिया रोग का रोगवाहक कौन है? ऑप्शन है एनाफिलीज, एंडीज एजिप्टी, सैटसी मक्खी या फिर खटमल। तो राइट आंसर है इसका एंडीज एजिप्टी, एंडीज एजिप्टी। क्लियर? नेक्स्ट है कि निम्न में से मलेरिया रोग का रोगवाहक कौन सा है? मलेरिया रोग का रोगवाहक कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एनाफिलीज। क्या आंसर होगा? एनाफिलीज मच्छर। क्लियर? फिर आता है कि ऐसा पहला देश कौन सा है जिसने माता से शिशु एड्स संबंध को रोक दिया था?
ऐसा पहला देश कौन सा है जिसने माता से शिशु एड्स संवहन को रोक दिया था? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, भारत, अमेरिका। तो सही आंसर है इसका क्यूबा। क्लियर। नेक्स्ट है कि गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? अब देखिए क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होता है। कुछ किताबों में मिलता है हाइड्रोजन, कुछ किताबों में मिलता है हीलियम। ठीक है, तो अगर बात करें, देखिए ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है। अगर ऑप्शन में आपके हीलियम दिया है तो आप हीलियम लगाइए। ठीक है, अगर आपके ऑप्शन में हाइड्रोजन दिया गया है तो हाइड्रोजन लगाइए। और दोनों ही दिए हुए हैं तो आंसर वैसे दोनों ही रहेंगे, लेकिन आप हीलियम को प्रेफर करके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ही उसमें गैसें होती है, लेकिन हीलियम ज्यादा मात्रा में होती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और हीलियम हम दोनों ही आंसर को मानकर यहां पर चल रहे हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन का कार्य करता है? ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के। क्या होगा? तो ये होता है विटामिन, कौन सा विटामिन? विटामिन के। ठीक है, नेक्स्ट है कि अर्जुन वृक्ष की छाल किस रोग के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है? चर्म रोग, मस्तिष्क रोग, हृदय रोग या फिर उदर रोग। तो कौन से रोग के लिए होता है? तो यह होता है हृदय रोग। ठीक है, हार्ट डिसीज के लिए अर्जुन की छाल रोग उपचार के लिए प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट है कि विश्व में सबसे पहले किस अंग का प्रत्यारोपण किया गया था? ट्रांसप्लांट किया था, कौन सा पार्ट बॉडी, कौन से पार्ट का ट्रांसप्लांट सबसे पहले किया गया विश्व में? ऑप्शन है दिल, हार्ट यानी कि किडनी है, यकृत है, फेफड़ा है। तो सबसे पहले किया गया था हमारा किडनी का, सबसे पहले किडनी का ट्रांसप्लांट विश्व में सबसे पहले किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट है कि इसमें से वसा में कौन सा विटामिन विलय नहीं होता, मतलब कौन सा विटामिन ऐसा है जो वसा में घुलनशील नहीं है, विलय नहीं होता? तो विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन वी, ए बी ई के, बताइए कौन सा होगा। तो आंसर होगा इसका विटामिन बी। ठीक है, नेक्स्ट है कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, कितने वाल्व होते हैं? ठीक है, तो मानव हृदय में होते हैं कुल चार चैम्बर, चार कक्ष होते हैं। नेक्स्ट है कि कीटनाशी गैसों को फैलाने की क्रिया को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहा जाता है, मल्टीफिंक्शन कहा जाता है, फ्यूमिगेशन कहा जाता है या परिवेशन कहा जाता है? तो कीटनाशक गैसों को फैलाने की क्रिया को कहा जाता है फ्यूमिगेशन, फ्यूमिगेशन। ठीक है, नेक्स्ट है कि शहद में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पोषक तत्व कौन सा है? सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो वह है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा पाया जाता है शहद में। ठीक है, तो गाइस ये हो जाते हैं आज के 30 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो आपके आने वाले रेलवे एग्जाम या SSC एग्जाम या स्टेट लेवल के किसी भी एग्जाम, चाहे यूपी पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आप इन्हें बिल्कुल भी इग्नोर ना करके चले, अच्छे से प्रिपेयर करके चले। ठीक है, इसी तरह की मजेदार और काम की वीडियो हम लगातार आपके लिए लाते रहेंगे, साथ ही PDF भी प्रोवाइड कराते रहेंगे। PDF अब आपने वीडियो कंप्लीट देख लिया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दिया है वहां से आप PDF भी डाउनलोड करके रखें और ज्यादा से ज्यादा इस तरह के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करके चले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे द्वारा भेजे जाने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले